थैंक यू। मैं शुरू करूं। सबसे पहले सब फ्रेंड्स इन द मीडिया, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आए हैं आज। ये फर्स्ट टाइम है कि कोई आंचलिक पार्टी अपना मैनिफेस्टो निकाल रहा है, और हमें लगा कि हर इलेक्शन में सिर्फ नेशनल पार्टीज अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं, लेकिन हम एक लोकल पार्टी है त्रिपुरा के, और हमारा भी ड्यूटी बनता है कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर हम पावर में आए तो हमारा क्या सोच होगा त्रिपुरा के लिए। तो आज हमने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। इससे पहले शायद लोकल पार्टीज मैनिफेस्टोज लॉन्च नहीं करती थी, लेकिन आज हमने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, और इसमें बहुत बहुत चीज़ है जो आप पढ़ सकते हैं। आई विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू यू। उसमें हम स्टूडेंट्स के बारे, यूथ के बारे, हेल्थ के बारे, एजुकेशन के बारे, STSC के बारे, OBC के बारे, माइनॉरिटीज़ के बारे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे, टूरिज्म के बारे, इंडस्ट्री के बारे, सब इश्यूज़ में मीडिया के बारे हम बात कर रहे हैं। आप प्लीज़ इसको स्टडी कीजिए। लेकिन कुछ दो या तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे मैनिफेस्टो में है। हमारा कोर आइडियोलॉजी तो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं हमारा कोर आइडियोलॉजी। लेकिन एक मिशन हमने स्टार्ट किया है, मिशन 15 in 150 days, मतलब कि 5 महीने के अंदर, 150 दिन के अंदर अगर हम पावर में आए तो ये 15 चीज हम 100% करेंगे। सबसे पहले है एक पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम। किसी को भी, ये सेक्रेटेरिएट के अंदर होगा, किसी को भी त्रिपुरा में कहीं में भी प्रॉब्लम हो, वो टाइम बाउंड मैनर में उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। एक हफ्ता हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, एक नंबर रहेगा, उसमें अगर आप फ़ोन करेंगे तो ये आपका प्रॉब्लम नोटेड किया जाएगा, और एक टाइम बाउंड मैनर, मतलब कि ऐसा नहीं है कि 2 महीना 3 महीना 4 महीना आपको इंतज़ार करना हो, टाइम बाउंड मैनर में 7 दिन हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, आपका प्रॉब्लम का, समस्या का हल निकाला जाएगा। ये पब्लिक, ये कहीं से भी इसको फ़ोन कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम का हम सेटअप सेक्रेटेरिएट से करेंगे। ADC सब लोग जानते हैं कि ADC में एम्पावरमेंट का प्रॉब्लम है। सब लोग ने बोला है मोर पावर, मोर पावर, मोर पावर, लेकिन हमने कहा है कि हम ADC में बजट को इंक्रीज करके डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट देने की कोशिश करेंगे। ये हमारे हाथ में है, और हम हर बिल जो पेंडिंग है ADC में आज से 20 साल से, उस सबको क्लियर करेंगे 150 दिन के अंदर। लैंड अलॉटमेंट, लैंड पट्टा अलॉटमेंट, हमारे बहुत लोगों को ज़मीन का पट्टा नहीं मिलता है, लैंड का अलॉटमेंट नहीं मिलता है। हम लैंड अलॉटमेंट सबको, जो पहले पिछले 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल से जो डिस्प्यूट में था, जो जिसका ज़मीन को पट्टा नहीं मिल रहा था, जिसको ज़मीन नहीं मिल रहा था, उनका लैंड अलॉटमेंट का 150 दिन के अंदर हर लोगों को, जिसका डिस्प्यूट था, जिसका प्रॉब्लम था, जिसको पट्टा नहीं मिल रहा था, जिसको एलोकेशन नहीं मिल रहा था, वो हम करेंगे। उसके बाद 20,000 नया नौकरी 150 दिन के अंदर। हम लोग एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू स्किल बिल्डिंग और थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम लोग करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में एंड इंडस्ट्री सेक्टर में हम लोग करेंगे 150 दिन के अंदर। विलेज काउंसिल इलेक्शन, सब लोग जानते हैं कि विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट में बहुत लोगों ने बोला था कि हमारे ब्रू को वोटिंग राइट्स नहीं मिला है, कोरोना हुआ है। लेकिन आज वही इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन हो रहा है, लेकिन VC इलेक्शन नहीं हुआ। सब लोग जानते हैं क्यों नहीं हुआ, लेकिन हमारे गांव में बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल से गवर्नमेंट ने कोई ना कोई बहाना लेके VC इलेक्शन नहीं किया। हम लोग 150 दिन के अंदर विलेज काउंसिल इलेक्शंस होल्ड करेंगे, उससे डायरेक्ट हेल्प भी होगा हमारे गांव के लोगों को। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है, जिसमें हम फ्री एजुकेशन एंड लोन, फ्री एजुकेशन लोन अप टू 5 लाख देंगे, ये भी हम 150 दिन के अंदर शुरू करेंगे। हेल्थ हम लोग सब जानते हैं कि हेल्थ बहुत बड़ा इशू है। हम लोग 24 आवर हेल्थ केयर फैसिलिटी विद एम्बुलेंस सर्विसेज हर विलेज और वार्ड में 24 घंटे, 24 आवर्स, ये हम उपलब्ध कराएंगे अपने गांव में और शहर में भी। एक सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, क्योंकि त्रिपुरा में बहुत यंगस्टर्स को कला बहुत है, वी ऑल हैव टैलेंट, लेकिन
अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, यूथ के पास बहुत पोटेंशियल है लेकिन नहीं मिलता है। तो एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग शुरू करेंगे। ये वर्ल्ड क्लास सेंटर होगा जो हम इसके लिए फंड अलग से रखेंगे और जो फजूल का खर्च होता है उसको नहीं करके हम इसमें इसको डाइवर्ट करेंगे। फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नशा मुक्त त्रिपुरा। लेकिन हम सब जानते हैं कि नशे मुक्त त्रिपुरा के पीछे ड्रग्स स्मगलर्स कौन है, कौन लोग ड्रग्स स्मगलिंग को बैकिंग कर रहे हैं। अगर ड्रग्स को त्रिपुरा में ख़त्म करना है तो हम लोग विमेन के बिना, औरत के बिना, माँ के बिना, बहन के बिना एक ड्रग फ्री सोसाइटी नहीं कर सकते। तो हमने फॉर्मेशन ऑफ विलेज लेवल टास्क फोर्स, हमने सोचा है कि हर गांव में एक विलेज लेवल टास्क फोर्स होगा, उनके पास पावर होगा, वो ड्रग टैकलिंग को कंट्रोल कर सके। बहुत जगह में पुलिस नहीं जा सकती है, बहुत जगह में एनजीओज नहीं जा सकते, लेकिन हमारी जो महिला है, हमारी जो बुरुई है जो गांव में है, उनको ही हम शक्ति देकर हर गांव में विलेज टास्क फोर्स लगाएंगे टू टैकल ड्रग प्रॉब्लम। अगर गांव में ही हमारी औरत लोग ड्रग प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं तो ये नशा मुक्त त्रिपुरा बहुत आगे तक सुविधा में आएगा। हमने एक एक्शन प्लान बनाया है जिसमें जीरो वाइट एक कागज निकला जाएगा, एक स्टडी किया जाएगा जिसमें हम लोग आने वाले 5 साल में जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर, कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, जीरो वायलेंस, क्योंकि त्रिपुरा सिर्फ गलत रीजन के लिए न्यूज़ में आया जा रहा है। सो जीरो वायलेंस, जीरो करप्शन, ट्राई करेंगे भाई, करप्शन जीरो होना मुश्किल है लेकिन ट्राई करेंगे जीरो करप्शन लाने के लिए। जीरो ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्यूचर, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। जीरो ड्रॉप आउट, आजकल ड्रॉप आउट्स के लिए भी हमारा बहुत प्रॉब्लम है, जीरो ड्रॉप आउट्स फ्रॉम स्कूल, एंड जीरो डिजीज, जहां में मेडिकल फैसिलिटी नहीं होने से बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। उसके लिए एक हम लोग टास्क फोर्स बनाएंगे, एक एक्शन प्लान बनाएंगे, और वो भी 150 दिन के अंदर, कि आने वाले 5 साल में हम लोग कैसे भूख, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रॉप आउट, ड्रग्स, करप्शन और पॉवर्टी को हटा सके। कोई गरीब पैदा होता है इसका ये मतलब नहीं है कि हमें गरीब होके ही मरना है। हमारा कोई दोष नहीं है कि कोई गांव में गरीब पैदा होता है, लेकिन हमारा पूरा ड्यूटी बनता है कि हम आने वाले 5 साल में एक सिस्टम निकाले जहां से गरीबी को हटाने की कोशिश करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद डोर टू डोर सर्विस डिलीवरी, ये आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली में किया है। मैं नहीं बोलूंगा कि ये मेरा आइडिया ओरिजिनल है, लेकिन हर गवर्नमेंट से कुछ सीखना चाहिए। मैंने हर गवर्नमेंट से कुछ सीखा है, बीजेपी से भी कुछ सीखा है, कांग्रेस से भी बहुत सीखा है, और आम आदमी पार्टी का जो डोर टू डोर डिलीवरी सिस्टम है, जहां में आपका राशन कार्ड हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, विलेज लेवल में आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसको हम वॉरियर्स को एम्प्लॉय करके ये डोर टू डोर डिलीवरी सिस्टम हम शुरू करेंगे हर गांव में। उसके बाद जो 10 प्रॉब्लम है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रॉब्लम नहीं होता। जो पेछारताल में प्रॉब्लम है वो अगरतला में नहीं है, जो रामनगर में प्रॉब्लम है वो साबरूम में नहीं है, जो साबरूम का प्रॉब्लम है वो अम्बासा या कंचनपुर में नहीं है, जो रामचंद्र घाट का प्रॉब्लम है वो पानी सागर में नहीं है। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। हम चाहेंगे कि MLA से, कोई भी पार्टी का MLA हो, बीजेपी का हो, CPM का हो, हमारा हो, कांग्रेस का हो, उन सब MLA से 10 प्रॉब्लम जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में है उनका प्रायोरिटी वाइज 10 प्रॉब्लम्स हम ले और इसको 150 दिन के अंदर हल करने की कोशिश करें। कहीं में पानी की प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं में ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं में बिजली का प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं में स्कूल का प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं में पुल टूटा हो वो प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 जो प्रॉब्लम है MLA से हम मांगेंगे, कोई भी पार्टी का हो, और वो 150 दिन में उसका
जल्द से जल्द समस्या करने की प्रॉब्लम की हम हल करेंगे। एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए। त्रिपुरा में हमारे पास अभी यहाँ में बहुत लीडर्स हैं जो एसटी है, एससी है, ओबीसी है, फेक सर्टिफिकेट का भी प्रॉब्लम है। एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए जहाँ में हमें मालूम पड़े कि कौन क्या प्रॉब्लम है, किसकी क्या गरीबी है, किसकी क्या समस्या है। और जब तक हम एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम ये 150 दिन के अंदर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे जो जनजाति हैं, हमारे जो तिपरासा हैं और जो हमारे मुसलमान हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि हम 150 दिन में सीए के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। देखिए, हिंदुस्तान में सबको रहने का अधिकार है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ट्राइबल हो, कोई भी हो, वो एससी हो, एसटी हो, मणिपुरी हो, आदिवासी हो। एक जो कानून बनाया गया है जिसमें हम एक जाति के लोगों के खिलाफ एक कानून बनाते हैं वो गलत है। हिंदुस्तान में बीजेपी के आइडियोलॉग ने कहा था एक देश में दो कानून नहीं बन सकता, तो एक देश में एक धर्म के नाम में दो धर्म के नाम में कानून नहीं बन सकता। हम असेंबली में सीए के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करेंगे क्योंकि ये हमारा कमिटमेंट है कि त्रिपुरा में हर धर्म के लोगों को रहना चाहिए, हर जाति के लोगों को रहना चाहिए। और कोई कानून नहीं लगा सकते आप जहां में आप मुसलमान को या ट्राइबल को छोड़कर आप एक कानून बनाएं, ये गलत है। और मैं जानता हूं मेरे साथ हमारे हिंदू, मैं भी हिंदू हूं, हमारे हिंदू भाई बहन सब हमें सपोर्ट करेंगे। ये है 15 पॉइंट्स जो हम अगले 150 दिन में पावर में आने के बाद करेंगे। उसके बाद भी बहुत पॉइंट्स है, जैसे कि हमारे 10,323 टीचर्स, हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में इनके केस के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं, लेकिन जो रिक्रूटमेंट हम करेंगे उसमें हम अपने 10,323 टीचर्स को वापस रिक्रूटमेंट एनी हाउ करेंगे या फिर वन टाइम कॉम्पनसेशन देने की कोशिश करेंगे। ये हमारा ड्यूटी बनता है कि हम इसका सोल्यूशन लाए, ना कि इनके इमोशन के साथ खेले। 10,323 का कोई दोष नहीं था कि उनका नौकरी हटाया गया, ये मेरा ड्यूटी बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनको सोल्यूशन दे, इनका नौकरी वापस दे या फिर एक फुल टाइम, वन टाइम फुल अच्छा सा कॉम्पनसेशन दे। रिक्रूटमेंट्स, जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स है हमारे ओबीसी एससी एसटी का बैकलॉग जो है उसको हमें पूरा करना है। मैं जानता नहीं हूं लेकिन जगदीश बाबू, विजय रांखोर और मैंने सबसे बात किया है। 1988 के अमल में हमने बहुत बैकलॉगों, जिसके नौकरी नहीं मिला था बैकलॉगों को हमने नौकरी वापस दिया था। 1988 के बाद से 2023 तक बैकलॉगों को प्रायोरिटी नहीं दिया गया है। बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिला है क्योंकि वो पार्टी के लिए वोट नहीं करते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिलता है। किसी का दोष नहीं है कि उसने एक ऐसी पार्टी के लिए वोट किया जो पावर में नहीं है। ये सीपीएम के टाइम हुआ, आज इस अमल में हो रहा है। हम लोग बैकलॉग जो भी है, पेंडिंग रिक्रूटमेंट, उसको पूरा करेंगे। जो भी बैकलॉग है उसको पूरा करेंगे। उसके बाद से और भी बहुत पॉइंट्स है, जैसे कि हर गांव में हम एम्बुलेंस का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग फ्री कम्पिटिटिव एग्जाम्स सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगे, क्योंकि आज हमें टीसीएस ऑफिसर्स, लॉयर्स, आईएएस ऑफिसर्स, हमें एक कोचिंग सेंटर का भी दरकार है। सब लोगों को अगरतला आना पड़ता है। अगरतला क्यों आए भाई, अपने डिस्ट्रिक्ट में खोले, वहीं में हम लोगों को एम्पावर करें। हमने और भी पॉइंट किया है, जैसे कि एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोला जाएगा TTADC एरिया में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज भी सिर्फ जनरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में होना चाहिए। हमारे जो मॉग्स हैं, जो चाकमाज हैं, मैं भी विपासना करता हूं, हम भी बुद्धिज्म को मानते हैं, एक वर्ल्ड क्लास बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भी होना चाहिए। सब लोग कहते हैं कि नालंदा में यूनिवर्सिटी होना चाहिए, सब लोग कहते हैं कि बोधगया में होना चाहिए। अगर हमें टूरिज्म को भी प्रमोट करना है, अगर हमें बाहर से अच्छे लोगों को लाना भी है, जापान से हो, कोरिया से हो, थाईलैंड से हो, वियतनाम से हो, अपने देश से हो, तो एक वर्ल्ड क्लास बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी होना चाहिए जहाँ में हम शिक्षा के अलावा और दूसरी चीज़ को भी, जैसे कि मेडिटेशन हो, विपासना, उसको भी हम लोग उसमें ट्रेनिंग करें, योगा भी करें। उसके बाद हमने कहा है कि हर स्कूल में
डिजिटल क्लासरूम होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए, हर स्कूल में डिजिटल क्लासरूम होना चाहिए। आज समय बदल रहा है, इंग्लिश एजुकेशन होना चाहिए, डिजिटल क्लासरूम होना चाहिए। आज अगर हमें क्वालिटी एजुकेशन फिर से देना है, अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल त्रिपुरा बहुत सफ़र किया है, क्योंकि हमने इंग्लिश एजुकेशन को किसी रीज़न के लिए हमने बढ़ावा नहीं दिया। अगर आज आपको नौकरी चाहिए तो इंग्लिश और हिंदी एजुकेशन मस्ट है। अगर आपको दिल्ली जाना है, आपको हैदराबाद महाराष्ट्र जाना है, आपको कलकत्ता जाना है, बैंगलोर जाना है, तो इंग्लिश या हिंदी की ज़रूरत है। आज बांग्ला शिक्षा बहुत अच्छा है, लेकिन हमें डिजिटल क्लासरूम करना है और हम हर स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज को और हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हैं। कॉकबोरोक, काउब्रू, चाकमा, मॉग और दूसरे लैंग्वेजेस को लेकर, बंगाली को भी लेकर, हम ये दो एडिशनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आज हमारा नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ना है तो उनको हर भाषा में इक्विप होना चाहिए। उसके बाद आप जानते हैं कि हम इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहे हैं फॉर परचेजेस ऑफ थ्री व्हीलर्स, टूरिज्म के लिए हम दे रहे हैं, वेमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड यूथ वेलफेयर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। जो भी औरत के खिलाफ, त्रिपुरा में वेमेन के खिलाफ क्राइम्स बहुत हाई हैं, और अगर हमने औरत को सुरक्षा नहीं दिया या उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं दिए तो कुछ नहीं होगा। और हमने ये भी कहा है कि एक सेपरेट फंड दिया जाएगा जहां में कहीं में भी अगर औरत के खिलाफ कोई भी अत्याचार हो, बलात्कार हो, डाउरी का सिस्टम हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, कहीं में भी, तो एक स्पेशल फंड से इमीडिएट रिलीफ दिया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स दिया जाएगा फॉर द जस्टिस टू बी मेट। मिड डे मील्स है और बहुत चीज़ है, जैसे कि हमने कहा है कि महारानी कंचन प्रभा देवी वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम होगा, जहां में हम औरत लोगों को फंड्स देंगे स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, रिग्नाई मेकिंग हो, धूप काठी का बिजनेस हो, कुछ भी हो, अगर किसी को दुकान भी खोलना हो, रेस्टोरेंट खोलना हो, कुछ भी हो, तो हमें उनको एक फंड देना चाहिए जहाँ से वुमेन आगे बढ़े। आप देखेंगे हर सोसाइटी में अगर हमने औरत को पीछे रखा तो वो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ता। लोन्स हो, बिजनेस हो, शिक्षा हो, तो हमने, हमें लगता है कि हम एक ऐसा स्कीम निकालेंगे जहां में महारानी कंचन प्रभा देवी वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम के नाम में एक फंड होगा फॉर स्मॉल स्केल माइक्रो इंडस्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिग्नाई, रिसा, पैकेज फूड एंड ऑल्सो क्रिएटिंग अवेयरनेस कैंपेन्स इन ऑल एरियाज थ्रू स्टेट रन इनिशिएटिव्स। यूथ वेलफेयर में हमने कहा है कि कोई भी 10th स्टैंडर्ड मेट्रिकुलेशन जिसने पास किया है, अगर उसको बिजनेस शुरू करना है तो उनको गवर्नमेंट के थ्रू 30% सब्सिडी दिया जाएगा। अगर आप कोई भी दुकान खोलना चाहे, जैसे कि हमारे गृह मंत्री बोलते हैं पकोड़े का दुकान भी खोलना चाहे, तो 30% सब्सिडी हम दिए जाएंगे। तो कोई अगर 1,00,000 रुपया लगा रहा है तो हम 30,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से देंगे, अगर कोई 2,00,000 लगा रहा है तो हम 60,000 देंगे, अगर कोई 3,00,000 लगा रहा है तो हम 90,000 का उसको सब्सिडी देंगे, लेकिन उनको मेट्रिकुलेशन पास होना पड़ेगा, क्योंकि हम एक क्वालिटी भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग स्कूल से ड्रॉप आउट भी नहीं करें। उसके बाद हमने एड्स अवेयरनेस के बारे बात किया है। सब लोग जानते हैं कि एड्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ड्रग्स के लिए, तो एड्स अवेयरनेस के लिए ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल में एंड एड अवेयरनेस कैंपेन थ्रू एनजीओस, जहां में एनजीओस को फंड दिया जाएगा टू काउंटर ड्रग्स, एड्स एंड अदर रिलेटेड डिजीजेस, बिकॉज इट हैज़ टू बी फॉट, इट हैज़ टू बी क्योर्ड। और इसमें हम गवर्नमेंट अकेला नहीं फाइट कर सकता है, इसमें हमें सिविल सोसाइटी हमारे साथ चाहिए। उसके बाद हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया है कि स्टेट हाईवेज, विलेज रोड्स, नेशनल हाईवेज, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात किया है, एडीसी के अंदर ड्रिंकिंग वाटर लिया जाएगा, लॉन ऑर्डर के बारे हमने बात किया है कि यहाँ में जो क्राइम है, जो हेलमेट स्क्वाड है, उसको रोका जाएगा। अपने एडीसी पुलिस बिल हमने पास किया है, एडीसी पुलिस बिल में हम 6,000 एडीसी पुलिस को रिक्रूटमेंट करेंगे और उनको नौकरी देंगे इसी साल में। ये जो 6,000 रिक्रूटमेंट होगा वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेगा गांव में, और वो हमारे क्राइम को कर्ब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम पावर भी देंगे और उनको अधिकार भी देंगे,
तो EDC पुलिस में 6,000 को हम न्यू रिक्रूटमेंट देंगे सिर्फ पुलिस में। हम लोग 100 नया PCR वैन शुरू करेंगे नेशनल हाईवे में और विलेज हाईवेज में, क्योंकि अगर PCR वैन रहेगा तो लॉ एंड ऑर्डर और ये जो माफिया गिरी जो चल रहा है त्रिपुरा में, जो बॉर्डर से भी लोग आ रहे हैं उनको भी रोकने के लिए ये एक अच्छा एक तरीका निकलेगा। उसके बाद हमने कहा है सोशल वेलफेयर में लैंड पट्टा अलॉटमेंट टू बी गिवन टू द डिप्राइव्ड पीपल, जिसको जमीन नहीं दिया गया है। और जो जमीन, जैसे कि आप देखेंगे डुम्बुर में हम लोगों का जमीन लिया गया था, किसी को कॉम्पनसेशन नहीं मिला, सबको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तेलियामुरा में बहुत लोगों का जमीन लिया गया है, उनको आज तक जगह नहीं मिला है, वो भी दिया जाएगा। और EDC में जो भी बंगाली फैमिलीज है किसी का अधिकार नहीं छीना जाएगा, किसी को भी नहीं बोला जाएगा कि EDC से बाहर जाए। ये मैं हम लोगों का मैनिफेस्टो में है। हम सच में सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। हम पॉलिटिक्स किसी के तिलक और किसी के दाढ़ी को देखकर नहीं करते हैं, हम सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। समाजपति, अगर आप हमारा कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, अगर हमारे त्रिपुरा के कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो हमारे समाजपति को हमें इज्जत देना पड़ेगा। CPM शासन में समाजपति को रिप्लेस करके क्लब्स ने पूरा राइट्स लिया, लेकिन आज अगर हमें अपना आइडेंटिटी को बचाना है तो हमें अपने समाजपति ओकरा, क्षत्रिय समाज हो, चांताई हो, हदा हो, कास्काओ हो, जो भी है हमारा जो समाजपति है, उन सबको हर महीने 25,000 रुपया का स्टाइपेंड दिया जाएगा और खुमलुंग में उनको अपने ऑफिस बनाने के लिए और लैंड उनको लैंड दिया जाएगा और ऑफिस बनाने के लिए हर समाजपति हर कम्युनिटी को जमीन दिया जाएगा जहां में उनका एक कल्चरल सेंटर होगा और उनका ऑफिस होगा और हर समाजपति हर ट्राइब को महीने का 25,000 रुपया दिया जाएगा। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग कर सकते हैं, इतना पैसा है हमारे पास करने के लिए, हमने स्टडी भी किया है। उसके बाद बहुत पॉइंट्स है, आप लोग पढ़ लीजिए। मीडिया, आपके खिलाफ बहुत केसेस हो रहे हैं, अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ गलत लिखा तो फोन आता है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जो भी पेंडिंग केस है मीडिया के खिलाफ उसको हटाया जाएगा इमीडिएटली। जो भी आपके, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन आपके मालिक को एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट सब लोग रिलीज कर देते हैं। अगर एडवर्टाइजमेंट राइट टाइम में आपको मिलता तो शायद आज आपके पास करोड़ करोड़ रुपया होता, लेकिन कागज में करोड़ करोड़ रुपया है लेकिन बैंक में एक रुपया भी नहीं है। जो भी आपका पेंडिंग पेमेंट है हम लोग प्रायोरिटी लगाकर आपका हर पेंडिंग पेमेंट जो गवर्नमेंट ने आपको प्रॉमिस किया था इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के टाइम, वो हम इमीडिएटली रिलीज कर देंगे, क्योंकि आपको भी सैलरी मिलता है उसी पेमेंट से। मैंने भी मीडिया हाउस चलाया, मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल रहता है, और आपके खिलाफ कुछ भी केस हो वो सब हटाया जाएगा। आपको इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, और जो इंश्योरेंस हम दे रहे हैं वो सिर्फ आपको नहीं आपके फैमिली मेंबर्स को भी दिया जाएगा। तो अगर आपके फैमिली में किसी को, भगवान ना करे, कोई बीमारी हो या कोई मर जाए, तो ये जो इंश्योरेंस है वो आपके फैमिली मेंबर की तरफ भी कवर किया जाएगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस, आज डेमोक्रेसी में सब लोग पॉलिटिशियन को देखते हैं लेकिन जुडिशरी भी है, सिविल सोसाइटी भी है और मीडिया भी है, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस सच बात बोले तो हम नहीं देख रहे। आप लोग भी चिंतित है, एक टर्म निकला है गोदी मीडिया, मैं चाहूंगा कि आप किसी के गोदी में नहीं बैठे, आप सबके सर में बैठे, क्योंकि मीडिया का काम है कठिन से कठिन सवाल पूछना। मैं ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। डिफिकल्ट सवाल है वो भी मैं दूंगा, लेकिन आज क्या हो रहा है, अगर आपने कुछ भी गलत सवाल मांगा तो कल रात में आपको फोन आ जाता है कि ये सवाल आपने क्यों पूछा। ये सिस्टम को हम खत्म करना चाहते हैं, ये आपका अधिकार है कि आप सवाल पूछे और आपको फ्री और एक्चुअल फ्रीडम ऑफ मीडिया दिया जाएगा। आपके प्रेस क्लब्स में हम लैपटॉप्स, वाईफाई, कैफेटेरिया, हर ब्लॉक में, त्रिपुरा में हर ब्लॉक में एक प्रेस सेंटर बनाया जाएगा जहां में आपको वाईफाई, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स और कैंटीन दिया जाएगा जहां में आप अपना स्टोरी का फाइलिंग कर सकते हैं। वरना पूरा मीडिया अगरतला में बैठा है, और जो धर्मनगर में हो रहा है, जो करमछरा में हो रहा है, जो मनु में हो रहा है, जो रामचंद्र घाट में हो रहा है, वो रिपोर्ट नहीं होता है। हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं,
अगर सूरमा में कुछ हुआ तो अगरतला में न्यूज आना चाहिए, अगर कमलपुर में कुछ हुआ तो अगरतला में न्यूज आना चाहिए, अगर सोनामुरा में कुछ हुआ तो अगरतला में न्यूज आना चाहिए, उसके लिए आपको फुल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। और इसको छोड़कर आप जानते हैं कि तिपरा मोथा ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्पोर्ट्स में वर्ल्ड का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी करना चाहते हैं। मैं खुद एमएमए का फ़ैन हूँ, खुद फुटबॉल का फ़ैन हूँ। एक जो दीपा कर्माकर कर सकती है त्रिपुरा के लिए, एक जो सोमदेव वर्मन कर सकता है या लक्ष्मिता रियांग कर सकता है, वो बहुत कम लोग पॉलिटिशियन लोग कर सकते हैं। एक जो पारमिता रियांग या सौरभी देव वर्मा कर सकता है त्रिपुरा के लिए, एक जो आरडी बर्मन एसडी बर्मन त्रिपुरा के लिए कर सकता है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं कर सकता है। इसी के लिए मीडिया के लिए जो हमारे म्यूजिशियंस हैं उनके लिए म्यूजिक टास्क फोर्स, उनको हेल्प, उनके लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियोस, उनके लिए एक मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा रजिस्टर्ड जो एम्पैनल्ड होगा। और स्पोर्ट्समैन के लिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान का नाम हमको आगे करना है तो जो काम कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सका वो सचिन तेंदुलकर ने कराया, जो काम कोई चीफ मिनिस्टर नहीं कर पाया सिक्किम का वो बाईचुंग भूटिया ने कराया। तो हम भी चाहते हैं कि त्रिपुरा का स्पोर्ट्स पीपल, स्पोर्ट्स मैन एंड वुमेन को प्रमोशन किया जाए। इसके लिए हम वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विद स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी किया जाए और हम स्पोर्ट्स एंड म्यूजिशियंस को फुल बैकिंग दे, आर्टिस्ट को जो कलाकार है उनको फुल बैकिंग दे कि आने वाले दिन में वो त्रिपुरा का नाम ऊंचा करे। क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स से भी बाहर एक दुनिया है, वो दुनिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमारा त्रिपुरा का नाम को ऊंचा करेगा। इसमें बहुत पॉइंट्स है। ये पहला आंचलिक पार्टी है जिसने एक मैनिफेस्टो निकाला है। अगर यहाँ में कोई पॉइंट्स आपको ठीक नहीं लगता है, आपको लगता है कि और पॉइंट्स होना चाहिए, मैं ऐड करने के लिए तैयार हूँ, आपसे बैठकर बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये एक शुरुआत है। इसमें 10,323 हो, टीचर्स का नौकरी हो, विमेन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्टूडेंट्स हो, यूथ हो, गे, LGBTQ कम्युनिटी, इसके बारे कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करता, लेकिन वो भी हमारा समाज का एक हिस्सा है। उनको भी एक पॉलिसी के थ्रू हम अधिकार देना चाहते हैं और LGBTQ गे कम्युनिटी के लिए भी हम पूरा प्रावधान करेंगे कि वो भी सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में कंधे से कंधे मिलाकर, आंख से आंख मिलाकर सम्मान से जिए, उनको भी फैसिलिटीज और उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, वो भी हमने राइटिंग में दिया है। कोई शर्म का बात नहीं, ये हिंदुस्तान हम सबका है, ये भारत हम सबका है, हर कम्युनिटी का है, हर कलर का है, हर चॉइस का है, और ये हमने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। प्लीज गो थ्रू इट, और अगर आपको कोई और सुझाव देना हो, मीडिया को सुझाव देना हो, आई एम मोर देन हैप्पी टू गो थ्रू इट अगेन। वेलाइनो हम्बाई, थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द मैनिफेस्टो, हाँ हाँ है, हम क्यों नहीं देंगे, राम मंदिर है, मेरे फर्स्ट लाइन में है, हमने कोर आइडियोलॉजी में लिखा है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। और मेरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है, कोई किसी को बाहर नहीं किया जा रहा। मैंने सुना था एक स्टेटमेंट बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, हम त्रिपुरा को नहीं तोड़ना चाहते हैं। मैं त्रिपुरा को नहीं तोड़ना चाहता हूं। हिंदुस्तान को कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा है अभी, आप ये सवाल कुछ लोगों से पूछ लीजिए, कौन धर्म के नाम में हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। 75 साल में सबका साथ सबका विकास करके आपने गांव को क्यों गरीब रखा है। आपने आज विराट कोहली का दाढ़ी को तो मान लिया, लेकिन मुसलमान को दाढ़ी से आपको डर लगता है, ये कौन राजनीति ऐसा कर रहा है। कौन बिरयानी के नाम में, पुलाव के नाम में पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन ट्राइबल के नाम में और नॉन ट्राइबल के नाम में पॉलिटिक्स करता था, किसके साथ आपने अलायंस किया जिसको त्रिपुरा लैंड चाहिए था, जिसने हताए कतौर में रोड ब्लॉकेट करके रखा था, जो अगरतला में रैली करता था और तब यहाँ में मार पिटाई होती थी, आप किसके साथ, आप उसके साथ अलायंस करने के टाइम त्रिपुरा नहीं टूट रहा था। हमारे साथ जब बात करते हैं, जब हम सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो उनको सुई लगता है क्योंकि हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसके लिए वी विल निगोशिएट, वी विल टॉक, वी विल नॉट, वी बिलीव इन द पाथ ऑफ गांधी, वी बिलीव इन स्वामी विवेकानंद, आई बिलीव इन द पाथ ऑफ महाराजा वीर विक्रम, वी विल नेवर इंडल्ज इन वायलेंस। एज अ हिंदू माई सेल्फ, आई वुड नेवर वॉन्ट हिंदूज
who have been persecuted in Bangladesh to be persecuted further. So there should be a dialogue, but there should be a solution. And this is a problem which has to be solved by the government through negotiation, through talking, not through violence. I have a view, they have a view. Baith ke baat kijiye, writing mein dijiye. Baat karenge, kuch mera baat maniye, main aapke baat kuch manta hoon. Lekin ek sang hokar baat kijiye. Kisi ko aap Huriyat se baat kar sakte hain, aap Alpha se baat kar sakte hain, aap NSCN se baat kar sakte hain. To aap humse kyun nahi baat kar sakte? Hum to koi gair kanuni kaam nahi kar rahe. Sir, yesterday Assam Chief Minister make a speech. If BJP does not get magic number, then it may approach Sitra Motha for support. But on condition that Motha leaves, it demands for separate state. On condition that they also give it to us in writing, what is their approach? Is it the same approach verbally? I don't want to talk to BJP. I want to talk to the government of India or to political parties who are in opposition. It is, hum apne logo ko dhoka nahi de sakte. Dekhiye, ye sab आज का जो ट्राइबल है ना, जो इंडिजिनस है, वो बेवकूफ नहीं है. हम भी जानते हैं कि 2018 में क्या बोला गया था और क्या हुआ. इसी के लिए तो आज कोई विश्वास नहीं कर रहा है. आप राइटिंग में दीजिए आपका क्या सलूशन है. मैं पब्लिक प्रिंट मीडिया के सामने लगा देता हूं, उसके बाद बात करेंगे. लेकिन बंद दरवाजे में चुपचाप क्यों बात करें? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन इज I'm not a scenario. They've given us zero assurance. And if the election throw up a factor mandate, can we, see a scenario where, the Sitra Motha, giving support to the BJP? We will not sit in the government. I'm making it very clear. Yahan mein hamara MLAs bhi hai. We will not sit in the government or support any government till our demand for our constitutional solution is not met in writing. We will rather sit in the opposition than actually support any government. हम लोग वो गलती नहीं करने वाले जो IPFT ने किया, कि जीतने के बाद दो मंत्री को मंत्रिमंडल में बैठाया गया और उसके बाद आप क्वेश्चन नहीं कर सके. मैं अपने यहाँ में MLA कैंडिडेट्स के सामने क्लियरली बोल रहा हूँ कि हमारा कोई भी MLA गवर्नमेंट में नहीं बैठेगा, मंत्री नहीं बनेगा जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होता. It didn't happen because I don't have so much money like BJP. It's very clear. I mean, what else could be the reason? IPFT is not talking about, IPFT is irrelevant now. It's a good party. God bless their leaders. But IPFT is no longer what it was. It's very sad, but it's the truth. What did they want from you when you proposed them for merger or an alliance? उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया जिस दिन बीजेपी का फोन आया. हाँ, मेरे पास आई डोंट हैव सो मच मनी माय फ्रेंड, बट देन यू नो व्हाट, मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ. समटाइम्स पब्लिक इमेज इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. अगर पैसा ही सब चीज होता तो इस देश में कुछ नहीं रहता. ये देश में अंग्रेज के पास हिंदुस्तानी के से ज्यादा पैसा था, लेकिन एक दिन इंग्लिश को भी छोड़ना पड़ा क्योंकि एक जज्बा था, एक ईमानदारी थी. जो लोग ईमानदार नहीं वो पैसे के पीछे भागे. We see the Tibra Motha in a very good position in the 20 seats. Thank you, sir. What about the 22 seats where we are in very good position? 22 seats. If you see, we have our former MLA Ashish Das here. We have Arup from Rishimukhi standing. We have Shah Alam. We have Bilas Malakar. We have apna Samir Basu. देन वी गुड अपना क्या बोलते हैं अबू खैर मियाँ. हमारे पास वी गुड कैंडिडेट्स एंड वी आर डूइंग वेरी वेल. अरे आप थोड़ा तो अप्रिशिएट कीजिए, जो 60 साल में कोई आंचलिक पार्टी ने किसी को चांस नहीं दिया, हमने चांस तो दिया. हम तो बदलने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम. हमने 60 ईयर्स में
नो रीजनल पार्टी इज गिवन अ रिजर्व सीट टू अ वुमन, ट्राइबल वुमन. हमने इस बार 6 औरत को दिया और रिजर्व सीट से भी दिया. आज तक एक आंचलिक पार्टी से एक औरत को एमएलए नहीं बन सका, इस बार तो बनेगी ना. हम तो सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. आपको इससे ये सब चीज को तो थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए. यू आर कंटेस्टिंग विदाउट एनी अलायंस एंड कांग्रेस एंड सीपीएम दे आर फाइटिंग टुगेदर इन अ सीट शेयरिंग अरेंजमेंट. सो डोंट यू थिंक दैट इज दैट विल यू नो डिवाइड द एनडीपीसीपी वोट्स एंड अल्टीमेटली हेल्प बीजेपी. कांग्रेस हेल्प बीजेपी इन 2018. बीजेपी का वोट तो 1.45% था 2013 में. तो 2018 में सब क्या ओवरनाइट पैदा हो गए क्या? ये तो कांग्रेस का वोट था. जो लोग बोल रहे हैं बी टीम, कांग्रेस वॉज द बी टीम फॉर सीपीएम इन 2018. आई वॉज वर्किंग प्रेसिडेंट. कांग्रेस ने कैंपेन ही नहीं किया सीपीएम को जिताने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए. तो आज के दिन कांग्रेस एंड सीपीएम, यू आर टॉकिंग अबाउट एंटी बीजेपी. द ओनली, मैं एक बात बोलता हूँ, प्लीज डोंट माइंड, मैं हंसी मजाक में बोल रहा हूँ. असली कांग्रेस तो मैं हूं. मैं ना बीजेपी के साथ गया ना सीपीएम के साथ गया. असली कांग्रेस तो मैं हूं. मैं आज तक इंडिपेंडेंट रहा हूं. जो लोग ने पूरे जिंदगी एक पार्टी के खिलाफ फाइट किया, जिसका वर्कर को पीटा गया, आज आप उनके साथ अलायंस कर रहे हैं. और जो लोग आज बीजेपी को गाली बक रहे, वो टाइम एक टाइम बीजेपी में भी थे. तो असली कांग्रेस तो मैं हूं. मजाक में बोल रहा हूँ, मतलब कि वो मत कीजिए कि कहाँ ऑपोजिशन वोट डिवाइड हो रहा है. कांग्रेस की वोट से तो बीजेपी पावर में आई. और जब मैं लोकसभा में प्रेसिडेंट था, तब कांग्रेस का वोट शेयर 1% से 28% गया. सीपीएम का वोट आया नीचे. तब उस टाइम किसी ने नहीं कहा कि सीपीएम ने क्यों नहीं अलायंस किया हमारे साथ. टिप्रा मोक्ष को वोट देना ना देना की समान है, क्योंकि सरकार आएगा नहीं स्टेट में भी और केंद्र में भी, आज हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा. तो यही बात आसाम में एजीपी था ना, हेमंत बिश्व शर्मा के स्टेट में एजीपी था. एक टाइम सब लोग बोलते थे बीजेपी को वोट मत दो, बीजेपी तो पावर में नहीं आएगा, एजीपी पावर में आएगा, वो बड़ा पार्टी है, बीजेपी छोटा पार्टी है. आज एजीपी गायब हो गया है आसाम से और बीजेपी बड़ा पार्टी है. एक टाइम बीजेपी के पास सिर्फ 2 एमएलए थे, एमपी थे 1984 में. तो किसी ने बोला था कि वोट मत दो क्योंकि इनकी तो पावर में नहीं आएगा. ऐसा नहीं चलता है. पब्लिक का एक अधिकार होता है उनका वोट देना का. अगर यही माइंडसेट लेके चलेंगे ना, तो बीजेपी मेघालय में मत वोट दो बीजेपी को. मेघालय में वो पावर में नहीं आने वाला, बीजेपी को मत दो वोट मेघालय में. नागालैंड में मत दो बीजेपी को वोट. मिजोरम में मत दो बीजेपी को वोट. ये नेडा का चेयरपर्सन बोल सकता है, पावर में नहीं आने वाला है मिजोरम में, नागालैंड में पावर में नहीं आने वाला है, मेघालय में पावर में नहीं आने वाला है, तो बीजेपी को मत वोट दो. जो मेरे ऊपर लॉजिक है वही उनके ऊपर मिजोरम, नागालैंड और क्या बोलते हैं मणिपुर, मेघालय में करो. नहीं, हमारे लिए अलग रूल, उनके लिए अलग रूल, ये कहां का होता है. तमिलनाडु में मत वोट करो बीजेपी को. तमिलनाडु में क्यों कंटेस्ट कर रहे हो आप, मत करो. केरला में मत करो. ये बोलने वाला बात होता है. हम लोग सब जानते हैं कि तिपरा मोथा पावर में आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है. सेकेंड ऑफ ऑल ये जो टेंशन है इसको दूर करना है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जो भाई भाई से फाइट कर रहा है ना, उसको दूर करना है. और वो तभी होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन आएगा. असल में कोई किसी के खिलाफ नहीं है, ये नेता लोग ही है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. इसको खत्म करना है, करप्शन को खत्म करना है, नौकरी देना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, अधिकार के बारे में बात करना, अधिकार देना है. आज हम लोग उसके बैकलॉग जो नौकरी है उसका क्या हो रहा है, 23,000 बैकलॉग जॉब्स अभी तक पूरा नहीं हुआ, 10,323 का कुछ नहीं हुआ, एडीसी पुलिस बिल कुछ नहीं हुआ. आज क्योंकि यहां में इतना गरीबी है, आप 100 रुपए देकर एक आदमी पार्टी का झंडा लेकर पूरा दिन वंदे मातरम, लाल सलाम या तिपरा मोथा एक लोकतंग या भारत माता की जय बोल रहा है. जिस दिन आपके पॉकेट में पैसा आ जाएगा ना, आप लोग ये नेता के पीछे भागना बंद कर देंगे.
और ये पैसा आपके तरफ तब आएगा जब आपके पास राइट्स, अधिकार, संवैधानिक राइट्स और नौकरी और एम्प्लॉयमेंट आएगा। ये हमको सबसे पहले करना है, आपका आर्थिक स्थिति को उठाना है। आई डोंट नो, बीजेपी कैन रिजेक्ट एनी डिमांड, दे ऑल्सो मेड अलायंस विद पीडीपी इन कश्मीर, दो पीडीपी हैड अ डिफरेंट 370 का वो था। सो आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट बीजेपी, बीजेपी इज अ वेरी बिग पार्टी, दे हैव मेनी ग्रेट थिंकर्स, मेनी विद्वान, यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू देम, आई एम टू स्मॉल अ पर्सन टू कमेंट ऑन बीजेपी। मैं अभी आपके सामने फोन लगा देता हूँ जितेंद्र चौधरी को। मैं क्यों नहीं बात करूँ जितेंद्र चौधरी से, वो अच्छा इंसान है। मैं सुदीप राय बर्मन से क्यों नहीं बात करूँ, वो भी अच्छा इंसान है। जिष्णु कर्ता से क्यों नहीं बात करूँ, अच्छा इंसान। लेकिन मैं सीपीएम के संग अलायंस कर रहा हूँ, एकदम नहीं। मैं राहुल गांधी से बात करता हूँ तो क्या मैं कांग्रेस से अलायंस कर रहा हूँ? मैं हेमंत दास से मेरा मीटिंग हुआ तो क्या मैं बीजेपी के साथ अलायंस कर रहा हूँ? दोस्ती एक तरफ, शुभचिंतक एक तरफ, और अपना राजनीति एक तरफ, अपने लोग एक तरफ, अपना पर्सनल रिलेशनशिप एक तरफ। तो हाँ, मैं बात करूंगा, क्यों नहीं बात करूंगा। अगर प्रतिभा पाटिल के खिलाफ बाला साहब ठाकरे कैंडिडेट नहीं देती है क्योंकि वो महाराष्ट्रन थी और बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के थे, तो किसी ने उंगली उठाया? वो तो एनडीए में थे, वो तो यूपीए में थे। जब ममता बनर्जी जो यूपीए में नहीं थी, उन्होंने कहा कि हम प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो बंगाल का है, तो किसी ने उंगली उठाया? तो इसी तरीके से मैंने बृजित सिन्हा के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया, मैंने जितेंद्र चौधरी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया, मैंने अगरतला में राजीव जो बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है राजीव बनर्जी, उनके खिलाफ नहीं दिया। क्यों दूं? ये मेरा चॉइस है। मुझे दिल्ली से तो ऑर्डर नहीं आता कि किसके इशारे में काम करो। बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट वॉज नॉट अबाउट मी। आई नेवर सेड आई वॉन्टेड टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, आई नेवर सेड आई वॉन्टेड टू बी अ मिनिस्टर, आई नेवर सेड आई वॉन्टेड टू बी द राज्यसभा एम पी। मैं आई वॉन्टेड टू गिव समथिंग टू माई पीपल एंड माई कमिटमेंट हियर। विजय रंखोल इज नॉट कंटेस्टिंग, जगदीश बाबू इज नॉट कंटेस्टिंग, आई एम नॉट कंटेस्टिंग, थ्री ऑफ अ टॉप लीडर्स आर नॉट कंटेस्टिंग, बिकॉज वी वॉन्ट टू सेंड अ मैसेज टू द पीपल दैट दिस इज नॉट अबाउट अस, इट इज अबाउट द पीपल। एंड इफ यू वॉन्ट टू मेक अ सेक्रीफाइस, अगर आपको बलिदान देना है ना, तो ऊपर से देना पड़ता है, तब वर्कर को समझ में आता है कि ये राजा या विजय बाबू या जगदीश बाबू अपने स्वार्थ के लिए नहीं काम कर रहे। मैंने अपने फैमिली से भी किसी को नहीं दिया, मीडिया ने तो बता दिया था कि मेरी बहन लड़ रही है, पहले बोला बीजेपी के संग अलायंस, उसके बाद बोला बहन लड़ रही है, तब बोला मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैंने जो एक साल से मैं बोल के आ रहा हूँ, ये लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप मुझे नहीं चाहिए, मुझे लोगों को पावर देना है। 5 आदमी को या 10 आदमी को या 20 आदमी को एमएलए मंत्री बना के हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें लोगों को अधिकार देना। There are many players, but there is only one captain. नहीं, उनके ऊपर प्रेशर है ना, आईपीएफटी के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। देखो, 5 साल तक वो लोग ने राज किया है, अब ये उनका लास्ट चांस है इलेक्शन में, इसके बाद पावर में नहीं आएंगे, तो उनको भी तो दरकार है, उनका भी तो घर संसार चलना है। तो बीजेपी ने शायद कुछ गैस सिलेंडर वैस सिलेंडर ऑफर किया होगा उनको। सर, हिमंत बिश्व शर्मा यस्टरडे से यू नो योर फैमिली रॉयल फैमिली त्रिपुरा, हां, नाउ व्हाई आर यू ट्राइंग टू यू नो डिवाइड त्रिपुरा बाय डिमांडिंग त्रिपुरा? माय फैमिली क्रिएटेड त्रिपुरा, माय फैमिली मर्ज्ड इनटू त्रिपुरा, but the government of India has divided Tripura in the name of religion, in the name of tribal, non-tribal, in the name of ADC, non-ADC. I did not divide Tripura. This division started very long time ago when governments did everything to deprive one community over another, deprive one religion over another, SC, ST. They have done it, I have not done it, and I am still willing to talk. But it should be in writing, it should not be verbal.
एंड हेमंत दा इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, आई नो आप लोग ले जाएंगे, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, ही वॉज अ कांग्रेस कोलीग ऑफ माइंड, वी वर कांग्रेस मेंबर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. हेमंत दा इज अ चाणक्य ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बट आई एम द माणिक्य ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सो प्लीज डू नॉट डू टू मच. किसने बोला? तो उनका क्या बताएं? उनको बोलो कि दिल से वोट करने के लिए, और जहां में उनका दिल आता है वहां में वोट करने के लिए. सिर्फ साबरूम क्यों? अगरतला में भी तो है, बनमालीपुर में भी. आप साबरूम का क्यों बोला? आप अगरतला में क्यों नहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? देखो देखो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है. अगरतला में क्यों नहीं किया? कैलाश शहर में क्यों नहीं किया? मैं आपको बताता हूँ, एडीसी में जब मैं बोलता हूँ कि मुझे 20 करोड़ रुपया दो नौकरी के लिए, ये लोग नहीं देते हैं. लेकिन अगर 100 करोड़ रुपया आप मांगो ना तो लोग दे देते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए. क्योंकि त्रिपुरा में हमको सिर्फ बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग में पॉलिटिशियन खाएगा 10%, कॉन्ट्रैक्टर खाएगा बाकी का रुपए, और बिल्डिंग को देखकर किसी का पेट नहीं भरेगा. आज हम लोगों को नौकरी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इमारतें बना रहे हैं. एडीसी में इतना बिल्डिंग है, आधा बिल्डिंग खाली है, लेकिन हम लोग नौकरी नहीं दे सकते हैं, किसी का सैलरी को बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा आ जाएगा, IMF से पैसा आ जाएगा, लेकिन किसी को नौकरी देने के लिए एक पैसा नहीं है. तो ये जो पैसा है, इसका आपका प्लानिंग ठीक करना पड़ेगा. अगर आप प्लानिंग ठीक करो ना, तो गवर्नमेंट का आधा काम सुविधा हो जाता है, ठीक हो जाता है. आज अगर यहाँ में इंडस्ट्री लाओ ना, यहाँ में अगर आप टूरिज्म को बढ़ावा दो ना, तो बोलते हैं कि छोटा स्टेट कुछ नहीं कर सकता. तो गोवा कैसा पैसा कमा रहा है? हमारे पास क्या टूरिज्म के लिए नहीं हो सकता? हमारे पास डुम्बूर नहीं है, हमारे पास सिपाहीजाला ऊनकोटी नहीं है, हमारे पास नीरमहल नहीं है, माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर नहीं है. मदुरई में कितना कलेक्शन होता? हमारे पास एयरपोर्ट नहीं है. यहाँ में यूथ लोग, हजार हजार यूथ लोग हैदराबाद में, बंगाली ट्राइबल्स, मणिपुरी मुस्लिम्स, हजार हजार यूथ बैंगलोर में, हैदराबाद में काम कर रहे हैं. यहाँ में एक वर्ल्ड क्लास कॉल सेंटर क्यों नहीं बन सकता? IT हब क्यों नहीं बन सकता? यहाँ में 10,323 टीचर के पास नौकरी नहीं, और हम लोग टीचर रिक्रूटमेंट बाहर से टीचर को लेके आ रहे हैं. तो पैसा है, लेकिन पैसा सिर्फ दो लोगों के पास जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर और पॉलिटिशियन. ये पैसा अगर एम्प्लॉयमेंट में दिया जाए ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो लिक्विडिटी है गांव में, वो डिमांड सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. किसी को शहर नहीं आना पड़ेगा, वहीं में आपका व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट लेवल में बनेगा, ब्लॉक लेवल में बनेगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम इंप्रूव होगा. लेकिन ये बात कोई बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि आप ड्रग्स को रोकना चाहते हैं. ड्रग्स प्रॉब्लम है ना, तो आप बताइए इसको टैकल करने के लिए हम टैकल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पैसा में, सब पॉलिटिशियन के हाथ में पैसा जा रहा है. तो ये सब है, ये सब को टैकल करने के लिए थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा, वी नीड अ चेंज इन सिस्टम. ये हमारे हाथे नहीं, हमें रेजोल्यूशन पास करते पारे, ये तो राज्य के हाथे नहीं, हमें रेजोल्यूशन पास करते पारे, एम्पावरमेंट करते पारे, लैंड राइट्स दीते पारे, डायरेक्ट फंडिंग करते पारे. लेकिन गवर्नमेंट को तो बात करना पड़ेगा ना, या ऑपोजिशन को तो बात करना पड़ेगा ना. हमने बोला है कि हम अपने डिमांड को में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. इसका ये मतलब नहीं है कि हम वायलेंस में आएंगे. एनी हाँ, आमिर खान, हम लोग तो गरीब खान है रे, हम लोग तो क्राउड फंडिंग कर रहा है, और उसमें भी बीजेपी का एक आपका एक चैनल है स्ट्रेट लाइन, उसने बोल दिया राजा भीख मांग रहा है, हम आशीर्वाद मांग रहा है, एक रुपया भी. गांव का एक गरीब जनजाति एक रुपया मुझे दे रहा है, 500 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया दे रहा है ना, वो ड्रग्स स्मगलर से रुपया लेने से या उद्योगपति अदानी से रुपया लेने से ज्यादा अच्छा है. तो हमारे पास कोई आमिर खान नहीं आएगा, लेकिन हाँ गरीब खान है यहाँ में.
शाह आलम तो गरीब नहीं है, लेकिन यह है सेंटू मियां, गरीब खान बहुत है, कोई स्टार कैंपेनिंग का दरकार नहीं है, यही स्टार कैंपेनर है। आप लोग हमारा जो वोटर है वो स्टार है। हम लोग, हमारे पास हेमा मालिनी को लाने के लिए पैसा नहीं है या उनका पास इतना वो भी नहीं। यस, आई सेड वी कैन टॉक अबाउट इट, आई टोल्ड दैट टू बीजेपी ऑल्सो, वी कैन टॉक अबाउट बट इन राइटिंग। I said we can talk about it. I am not a fanatic, but we have to talk about it. It has to be transparent. It has to be in paper. I have to show it to my people. I don't know your name, my friend. I am not well. जब मैं मरूंगा तो क्या मैं ये पैलेस को और अपना पैसा लेकर ऊपर जाऊंगा? आज मैंने अगर अपने लोगों को धोखा दिया तो मैं त्रिपुरा में आंख से आंख मिलाकर किसी को बात नहीं कर सकूंगा। मैं अपने लोगों के लिए कुछ फाइट कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं फाइट कर रहा हूँ, वरना एमएलए का टिकट ले लेता, राज्यसभा का नॉमिनेशन ले लेता। और टोटल कैंडिडेट कितना एक्चुअली क्या बैलेंस? 43 था लेकिन ये कैंसिल हो गया। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। ओह, यस, आई हैव सीन। ठीक है।